हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर एटीन वॉल्यूम टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट वन की इस वीडियो में हम वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्यूबॉइड और क्यूब के वॉल्यूम के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा आपको हम पीडीएफ की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे बड़ा आई सजेस्ट इस वीडियो को थ्री फोर टाइम्स जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम के कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए और अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं अच्छी तरह से तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल इंटू बी इंटू एच राइट करते हैं ठीक है दूसरा हमारे पास है होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बाद क्यूब ठीक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी साइड क्यूब ये जो पावर हम ऊपर लगाते हैं इसको हम क्यूब बोलते हैं तो साइड टू द पावर थ्री इसका मीन क्या होता है इट मीन्स क्यूब राइट साइड क्यूब और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम की जो यूनिट होती है ठीक है वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है वो होती है यूनिट ठीक है वो क्या होता है यूनिट का पावर थ्री ठीक है अब ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर मीटर सेंटीमीटर और जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी क्वेश्चन में उसकी आपको आंसर में क्यूब लगाना जरूरी है यूनिट क्यूब उसको लिखना है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब राइट इस तरह से आप लिखेंगे ठीक है तो चलिए जल्दी से हम आ जाते हैं अब एक्सरसाइज एटीन ए पर तो क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज एटीन ए है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द सॉलिड्स शोन बिलो आर मेड ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब्स इट मीन्स यहाँ पर क्यूब्स दे रखे हैं जिनकी साइड वन सेंटीमीटर है ठीक है राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है ठीक है तो आप आपको सबकी इनकी आ, क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिएगा तो आप किस तरह से निकालेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको ए पार्ट बता रहा हूँ ठीक है बहुत ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर जो इनकी साइड दे रखिए वन सेंटीमीटर का क्यूब है तो यहाँ पर वन वन ठीक है ये इसकी क्या हो जाएगी लेंथ और हाइट लेंथ ब्रेथ हो जाएगी और ऊपर जो है ये वाली साइड जो है है ना एक साइड हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीन चीजें होती हैं यहाँ पर तो ये हो जाएंगी तो यहाँ पे वन सेंटीमीटर इसका एक सेंटीमीटर का क्यूब बन गया ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में वन सेंटीमीटर क्यूब यानी आपका जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम है वन सेंटीमीटर क्यूब अब आपको केवल क्या करना है क्यूब को काउंट कर लेना है तो देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो हमने काउंट किया है कि ये कितने क्यूब हैं टेन तो एक का वॉल्यूम हो गया हमारे पास वन सेंटीमीटर क्यूब तो टेन का वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास टेन सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद बी में आ जाएंगे बी को भी इस तरह से आप काउंट कर लेंगे देखिए अब मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सेवन दिस वन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ठीक है तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है इसी तरह सी पार्ट आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ आप इसको कर लीजिएगा ठीक है इसको आपको कर लेना है तो ये काउंट करके आपको पता लग जाएगा कितने हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का आंसर तो चले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू पर हम आ जाते हैं अब यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड एंड राइट द यूनिट विद योर आंसर तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है उसकी यूनिट भी आपको लिखनी है तो इट मीन्स जो सॉलिड आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनकी जो मेज़रमेंट दे रखी है उन यूनिट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट राइट करेंगे आंसर में तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं एक क्यूवर्ड आपको दे रखा है एल आपको दे रखी है ठीक है बी आपको दे रखा है यहाँ पर और एच आपको दे रखा है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है वॉल्यूम आपसे पूछा है तो ऊपर हम कैसे लिखेंगे तो वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम को डायरेक्ट हम वी भी, भी लिख सकते हैं ठीक है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इन ब्रेथ इंटू हाइट तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं फोर्टीन मल्टीप्लाई एट और मल्टीप्लाई ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये सब सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर क्यूब आप राइट कर देंगे और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन को आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है सिर्फ और कुछ नहीं करना है ठीक है अब ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा तो फोर्टीन एट और ट्वेल्व की जो मल्टीप्लाई आएगी आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब क्लियर ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है आपका इसका बी पार्ट है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आपके पास एल है बी है और एच है सब दे रखा है ठीक है एल बी एच आप किसी को भी मान सकते हैं ठीक है तो आप एक जिस तरह तरफ से आप खड़ा करेंगे जिस तरफ बेस बनाएंगे वहाँ से डिसाइड होगा कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है कौन सा हाइट है तो आप एल बी एच कोई से भी मान सकते हैं तो यहाँ पर आपको एल बी एच की वैल्यूज दे रखी हैं वॉल्यूम फाइंड कर लीजिएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर पॉइंट एट मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर और सेंटीमीटर क्यूब और इसका आंसर आप निकाल के सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे बेटा ये भी हो जाएगा सी है हमारा एक क्यूब दे रखा है जिसकी हर एक साइड वन पॉइंट टू है तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा वन पॉइंट टू पहले एक फार्मूला लिख लेंगे आप क्योंकि आपको फार्मूला पता है साइड मल्टीप्लाई साइड और मल्टीप्लाई साइड ठीक है यानी ये हो जाएगा वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू और लिखेंगे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब तो जो आंसर इसका आएगा तो उसको आप सेंटीमीटर क्यूब राइट कर दीजिएगा क्लियर है तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है नौ क्वेश्चन नंबर थ्री है फॉर ए क्यूबॉइड एंड कॉपी एंड, एंड कंप्लीट द टेबल तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ और ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा तो ये सब आपको क्या करना है नोटबुक में करना है क्वेश्चन सारे आपको नोटबुक में करने हैं तो इस टेबल को पहले आप राइट करेंगे और उसके नीचे आप जैसे मैंने अभी आपको बताया एल बी एच की मल्टीप्लाई करनी है तो वॉल्यूम लिखना है तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स अब यार आपको क्यूब्स दे रखे हैं तो ये जो ए बी सी डी ई पार्ट आपको एफ पार्ट तक दे रखे हैं एज दे रखी है एज का मतलब होता है साइड ठीक है साइड दे रखी है एक पार्ट में बता रहा हूँ आप सभी पार्ट अपने आप कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए फोर का ए पार्ट में आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ठीक है वो लिखेंगे आप साइड क्यूब साइड की पावर थ्री यानी फाइव दे रखी है फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव 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 ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा सेंटीमीटर रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ठीक है तो इसके सभी पार्ट आप कर लीजिएगा बिल्कुल सेम करना है केवल यहाँ पर आपको क्या करना है मेजरमेंट जो दे रखी है वही चेंज करनी है जो साइड की आपको मेजर दे रखी है वही चेंज करके लिखनी है बाकी आपके पास यूनिट जो दे रखी है वही लिखी जाएगी बी पार्ट में सेंटीमीटर क्यूब आएगा सी पार्ट में सेंटीमीटर क्यूब आएगा डी पार्ट में एम क्यूब आ जाएगा ई पार्ट में एम एम क्यूब आ जाएगा और F पार्ट में एम क्यूब आ जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन हो जा जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं ए क्यूब ऑफ एज हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब की एज दे रखी है यानी साइड दे रखी है हमें कितनी साइड दे रखी है हमको हंड्रेड सेंटीमीटर क्लियर अब इसके बाद क्या है? हैज़ द सेम वॉल्यूम एज ए क्यूब ऑफ एज वन मीटर उसका वॉल्यूम उतना ही है जितना ठीक है वॉल्यूम uh, क्यूब ऑफ एज वन मीटर ठीक है उसका वॉल्यूम उतना ही है जितना एक क्यूब का जिसकी एज वन मीटर है ठीक है हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक्स वन क्यूबिक मीटर वन क्यूबिक मीटर या देखिए वन क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है वन क्यूबिक मीटर का मतलब होता है दिस वन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ वन क्यूबिक मीटर यानी ठीक है तो वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं आप जानते हैं तो ये हो जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है ना तो ये आ जाएगा वन के आगे जीरो लग जाएंगे आपके लिए और ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं ब्रिक्स हैव बीन पाइल्ड नियर है कंस्ट्रक्शन साइट एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ उन्होंने ब्रिक्स लगाई गई हैं उन ब्रिक्स की जो मेजरमेंट है वो इस तरह से जो पाइल है उसकी मेजरमेंट है फाइव डीएम फाइव डेसीमीटर मीटर नाइन डेसी और लॉन्ग है उसकी और हाइट है उसकी थ्री डेसीमीटर राइट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स तो ब्रिक्स की जो पाइल है उनका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है एल इंटू बी इंटू एच क्लियर और यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई नाइन इंटू थ्री और डी एम दे रखा तो डी एम क्यूब हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई फाइव फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई थ्री डी एम क्यूब और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन थर्टी फाइव डी एम क्यूब यानी डेसीमी क्यूब ये आपका पास आंसर आ जाता है वॉल्यूम आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन विच हैज द ग्रेटर वॉल्यूम दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं बॉक्स मीजर दिस वन बाय दिस वन बाय दिस वन ठीक है तो यहाँ पर एक बॉक्स जो है हमारा एल बी एच ये है और दूसरा जो है एल बी एच वो इतना है तो दो पार्ट कर लेंगे तो एक को वी वन लिख लेंगे वॉल्यूम वन एक को वी टू लिख देंगे वॉल्यूम टू ठीक है तो एक हो जाएगा एटीन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू क्लियर और ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे इसी तरह से दूसरा बन जाएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू सेवन ठीक है तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं देखिए मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एट्टीन थ्री 54 फिफ्टी फोर एंड टू वन ज़ीरो एट आ जाएगा ठीक है वन जीरो एट सेंटीमीटर क्यूब क्लियर और यहाँ देखेंगे सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स की सेवन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेवन सिक्स हमारे पास हो जाएंगे 42 टू फोर कैरी हो जाएगा और ये ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है सेंटीमीटर क्यूब क्लियर तो ये हो जाएगा तो कौन सा ज़्यादा है टू फिफ्टी ज़्यादा होता है ग्रेटर होता है वन जीरो एट से ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो आ, आंसर आ जाएगा वी टू इज ग्रेटर तो लिखेंगे हम वी टू इज ग्रेटर वी टू इज ग्रेटर ठीक है या मोर ये आप लिख देंगे तो ये आपका भी आंसर ये भी आंसर हो गया है चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस तो चली स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर एट पर आ चुके हैं यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी कि हमें क्यूबर्ड दिया गया है हुज डायमेंशंस आर डायमेंशंस आर एज फॉलोज तो यहाँ पर एल बी एस दे रखा है तो लेंथ यानी एल आपको मीटर में दी हुई है ब्रेथ यानी बी आपको ट्वेल्व मीटर दी हुई है मीटर में है और थिकनेस यानी हाइट जो है आपको कई में दी है ये देखिए सेंटीमीटर में दी है बस इसको चेंज करना है एल आपके पास कंप्लीट सही है बी आपके पास कंप्लीट सही है एच को आप क्या करें एट्टी सेंटीमीटर रखा मीटर में बदल दीजिएगा हंड्रेड से डिवाइड करके मीटर बन जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ गई है ज़ीरो पॉइंट एट जीरो मीटर ठीक है तो एल बी एस तीनों मीटर में हो गई है तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एल बी एल इंटू बी इंटू एच तो आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में ठीक है ये आपका आंसर हो गया इसी तरह बी पार्ट है बी पार्ट में सारे देखिए ये मीटर है आपका टेन वन बाई टू का मतलब टेन पॉइंट फाइव हो जाएगा एल ठीक है बी आपके पास दे रखा है एच आपके पास फिर से वही हो जाएगा सेवेंटी अपॉन हंड्रेड ठीक है 70 अपॉन हंड्रेड यानी ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो मीटर बन जाएंगे तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे ठीक है और मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा तो ये मैंने हिंट बता दिया आपको इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन है यहाँ पर क्वेश्चन नाइन में क्या कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब होता है जो हमारा रूम होता है जो हमारा रूम होता है उसी का वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम होता है ठीक है इफ़ द हाइट ऑफ ईच रूम इज़ थ्री जितने भी रूम हैं उन सब की हाइट कितनी है थ्री है एंड लेंथ एंड विड्स ऑफ द रूम इन मीटर्स आर एज गिवन इन द फॉल टेबल और इस टेबल में आपको लेंथ ब्रेथ दे रखी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आप क्या लिखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रूम ए सभी का ए का बता रहा हूँ सबका आप निकाल लेंगे तो वो हो गया एल इंटू बी इंटू एच तो एल आपके पास कितनी दे रखी है देखिए यहाँ पर एल दे रखी है आपको टेन दे रखी है है ना ये टेन दे रखी है ना और विथ आपको सिक्स दे रखी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एल इंटू बी एच तो लेंथ हो गई हमारे पास टेन ब्रेथ हो गई सिक्स और हाइट सबकी दे रखी है उन्होंने इतनी थ्री तो यहाँ पे थ्री लगा देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास वन एटी और सेंटीमीटर में दे रखी है उन्होंने मीटर में दे रखी है ठीक है सब मीटर में ही है तो मीटर क्यूब हो जाएगा बस ये आपके पास आंसर बन जाता है तो इसी तरह से ये जो बी सी डी ई एफ रूम है सबका वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं विच ऑफ द विच ऑफ दीज क्यूबॉइड्स्यू कु बी बुलट यूजिंग एट्टी वन सेंटीमीटर क्यूब्स देखिए जिसका वॉल्यूम हमारे पास एट्टी के इक्वल होगा केवल वो ही बन सकता है तो बस आपको क्या करना है ए वाले में देखो मल्टीप्लाई करके सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर कितना हो जाता है वन ट्वेंटी तो लिख देंगे कुड नॉट बी बुल्ट कुड नॉट बी बिल्ट ठीक है बिल्ट तो ये हो गया बिल्ट की स्पेलिंग आप सही लिखेगा नैट गुड नॉट बी बी यू आई एल टी ठीक है गुड नॉट बिल्ट तो इसी तरह सबको आप लिख लेंगे जिसमें आपका आ जाएगा एट्टी वो आपका आंसर हो जाएगा जैसे मान लीजिए एफ पार्ट है टेन मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू क्लियर है तो यहाँ पर देखिए फोर्टी टू जट्टी एट्टी के इक्वल आ गया एट्टी ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कैन बी या दिस कुड बी दिस कुड बी बिल्ट ठीक है तो ये हो जाएगा तो जिस पे एटी आ जाए वो बिल्ट हो सकता है जो नहीं आएगा वो नहीं होगा तो ये भी क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर इलेवन राइट द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ सिक्स क्यूबाइड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम थर्टी सिक्स वन सेंटीमीटर क्यूब थर्टी सिक्स वन सेंटीमीटर क्यूब हमें बनाने हैं तो थ्री थर्टी सिक्स के हम फैक्टर्स ले लेंगे इस तरह से कि उनकी मल्टीप्लाई प्लाई थर्टी सिक्स आए ठीक है थीके? तो अलग, अलग 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 तरीके से ले सकते हैं अलग अलग फैक्टर को लेकर तो यहाँ पर मैंने आपको राइट करके दिखा भी दिया है तो वो आपके क्या हो जाएगा मेजरमेंट हो जाएगी उन सिक्स क्यूब की जो हम बना सकते हैं तो थर्टी सिक्स के फैक्टर होते हैं वन वन थर्टी सिक्स तो एक आपका ये बन जाएगा वन टू एटीन थर्ड सेकेंड बन जाएगा सिक्स सिक्स वन थ्री बन जाएगा है ना थ्री ट्वेल्व वन फोर्थ तो बन जाएगा थ्री फोर थ्री ये बन जाएगा आपका फिफ्थ और सिक्स बन जाएगा आपका थ्री टू सिक्स ठीक है तो ये आपके पास मैंने मेजरमेंट लिख के दिखा दिए हैं तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन को इजी है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कितने क्वेश्चन है इसमें देखिए एटीन क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको जो मेन क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ और हिंट दे रहा हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं एक क्यूबर्ड इज़ सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग एल दे रखी है ठीक है ये लेंथ हो गई है फोर सेंटीमीटर वाइड बी दे रखा है और एंड थ्री सेंटीमीटर हाई ये एच दे रखा है एंड एक क्यूब हैज़ एज ऑफ एट और एक क्यूब है जिसकी एज है हमारे पास एट सेंटीमीटर ठीक है तो एल बी एच हमें दे रखा है और एक क्यूब की साइड दे रखी है विच वन हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम एंड बाई हाउ मच किसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए आप क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब ठीक है एल बी एच होता है आप जानते हैं तो ये हो जाएगा सेवन मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा एट्टी फोर सेंटीमीटर क्यूब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसकी हमें दे रखी मीज़र कितना एट सेंटीमीटर तो एट इंटू एट इंटू एट ठीक है तो ये हो जाएगा कितना फाइव वन टू हो जाएगा शायद ये सेंटीमीटर क्यूब फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ एट एट जै सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर की एट से मल्टीप्लाई करते हैं एट फोर जा थर्टी टू एट सिक्स ज फोटी एट और फिफ्टी वन सही है मैंने सही लिख दिया आपके लिए तो ये हो जाएगा वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर क्यूब आप देख पा रहे हैं कौन सा ज़्यादा है ठीक है तो क्यूब का जो वॉल्यूम है ग्रेटर है ठीक है क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा है तो लिखेंगे क्यूब हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम ठीक है और कितना कितना ग्रेटर है तो फाइव वन टू माइनस एंड लिख देंगे ऊपर एंड फाइव वन टू माइनस एट्टी फोर सेंटीमीटर मच है ना मच तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेल्व में से फोर एट हो गया माइनस ट्वेल्व में से फोर माइनस करके एट आ गया है यहाँ पर बचेगा जीरो टेन हो जाएगा टू बचेगा फोर फोर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर क्यूब मच ठीक है ये आपके पास आंसर बन जाता है तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड इज वन अपॉन फोर क्यूबिक मीटर व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर तो इसको आप कैसे करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा वन अपॉइंट फोर क्यूबिक मीटर है तो ये आपको हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड कर देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा इससे ट्वेंटी फाइव कट जाएगा तो ट्वेंटी फाइव के आगे फोर जीरो लग जाएंगे क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा वन सेंटीमीटर वन स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन क्यूबिक सेंटीमीटर आर डिफरेंट मेजरमेंट वहा देखिए वन सेंटीमीटर क्या होता है डिनोट लेंथ ठीक है जो लेंथ होती है वो केवल सेंटीमीटर में हो सकती है वन स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है तो इसको लिखेंगे डिनोट डिनोट एरिया ठीक है जो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है वो एरिया को डिनोट करता है और क्यूबिक सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे डिनोट वॉल्यूम ठीक है तो तीनों चीजें चीज वन सेंटीमीटर लेंथ को डिनोट करता है वन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को डिनोट करता है और वन क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है एन अंडरग्राउंड टैंक वाज थर्टी मीटर लॉन्ग, टू मीटर वाइड एंड टू मीटर डीप हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ वाज रिमूव्ड टू डग दिस टैंक तो ये जो टैंक है कितना वॉल्यूम निकलेगा तो आप लिखेंगे वॉल्यूम डायरेक्ट लिखेंगे ठीक है एल इंटू बी इंटू एच और इसको आंसर लिख लेंगे आप मल्टीप्लाई करके ठीक है मीटर क्यूब तो ये हो जाएगा वन मीटर क्यूब क्लियर तो ये भी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आपके पास और इसमें इन्होंने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ठीक है तो देखिए करना क्या है ए पार्ट में आपको एल बी एच दे रखा है एल बी एल बी दिया हुआ है एच नहीं दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है तो एच फाइंड करना है तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ एल मल्टीप्लाई बी इन टू एच ये क्या होता है वॉल्यूम होता है ठीक है इस फॉर्मूले में जो जो यहाँ पर मेजरमेंट दे रखी है वो लिखते जाइएगा जो चीज़ अननोन होगी वो निकल जाएगी एल की जगह फोर लिख दीजिएगा बी की जगह टू लिख दीजिएगा एच की जगह एच लिख दीजिएगा वी की जगह ट्वेंटी फोर तो एच हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन जितना भी बचता है वो नीचे ले जाइएगा वॉल्यूम की क्योंकि वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है तो ये हो जाएगा कट करके आपका न, एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो इसी तरह से आप एल बी एच इज़ इक्वल टू वी का फॉर्मला लगाएंगे जो चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे अननोन चीज निकल जाएगी इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ बेस एरिया फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दिस वन तो देखिए क्या होता है वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो होता है एल इंटू बी इंटू एच एल इंटू बी का मतलब होता है एरिया ठीक है तो वो पास 40 है, आपके पास फोर्टी दे रखा है और एच आपके पास सिक्स है ठीक है तो यह आपके पास कितना हो जाएगा टू फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब बस इतना सा आंसर था ये भी हो गया है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है इसमें क्या करना है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल कॉपर इथ दिस वन कॉपर ब्लॉक जो था उसका वॉल्यूम इतना है लेंथ दे रखी है आपको और ब्रेथ दे रखी है हाइट है तो मैंने आपको अभी बताया था एल इन टू बी इंटू एच इजिक्वल टू वी होता है यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट कर देंगे आप ठीक है फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू कितना टू सेवेंटी है ठीक है बस अब आप कीजिएगा आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ टू सेवनटी अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्स इसको सॉल्व कर लीजिएगा एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ठीक है तो हमने इस एक्सरसाइज को बेटा कंप्लीट कर लिया है सभी क्वेश्चन आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू